केंद्र सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बड़ा कदम उठाते हुए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की है। पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता में कमेटी कानून के सभी पहलुओं पर विचार करेगी और एक देश एक चुनाव की संभावना का पता लगाएगी। कमेटी जनता की राय भी लेगी। पैनल में और कौन शामिल होंगे इस बारे में अभी जानकारी सामने नहीं आई है। सदस्यों के बारे में अधिसूचना बाद में जारी की जाएगी। वन नेशन वन इलेक्शन के विचार का मतलब देश में लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाने से है। नोटिफिकेशन में समिति के सदस्यों के नाम, कार्यकाल समेत अन्य जानकारी शामिल होगी। ये कमेटी कानूनी पहलुओं पर गौर करेगी। इस समिति की घोषणा के बाद इस बात पर चर्चा तेज हो गई है कि केंद्र सरकार संसद के विशेष सत्र में एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर संसद में बिल ला सकती है। सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया है। केंद्र सरकार के इस दांव से विपक्ष में बेचैनी बढ़ गई है। दूसरी तरफ विपक्ष ने एक देश एक चुनाव के मुद्दे को लेकर सरकार की आलोचना की है। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि एक देश एक चुनाव पर केंद्र सरकार की नीयत साफ नहीं है। अधीर रंजन चौधरी ने कहा, एक देश एक चुनाव की अभी जरूरत क्या है? उन्होंने कहा कि पहले महंगाई और बेरोजगारी का निदान हो। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि भारत में एक देश एक चुनाव संभव नहीं है। ओवैसी ने वन नेशन वन इलेक्शन को असंवैधानिक बताया। एक देश एक चुनाव ऐसा मुद्दा है जिसकी पीएम मोदी वकालत करते रहे हैं। इस मामले को लेकर पहले सर्वदलीय बैठक भी हो चुकी है। हालांकि बैठक में इस संबंध में कोई ठोस नतीजा नहीं निकला था। पीएम मोदी इस मुद्दे का जिक्र संसद में भी कर चुके हैं। दूसरी बार सत्ता में आने के बाद 16 जून 2019 को राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान पीएम मोदी ने इसका जिक्र किया था। पीएम मोदी ने केंद्र और राज्यों का चुनाव एक साथ कराए जाने के विचार को चुनाव सुधार प्रक्रिया का अहम हिस्सा बताया था। आगामी विशेष सत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 9 वर्षों का पहला ऐसा विशेष सत्र होगा। इसके पहले 30 जून 2017 को जीएसटी लागू करने के लिए आधी रात को लोकसभा और राज्यसभा की विशेष संयुक्त बैठक बुलाई गई थी। 18 सितंबर से बुलाया गया ये 5 दिनों का पूर्ण सत्र होगा जिसमें 5 बैठकें होंगी। इसमें दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा की अलग अलग बैठकें होंगी जैसे सामान्य सत्र के दौरान होती है। वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा बीजेपी के एजेंडे में रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी नेता कई मौकों पर एक देश एक चुनाव को लेकर बोल चुके हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के घोषणा पत्र में भी ये शामिल रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।